نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين صدق الله مولانا العظيم معزز معتكفين ومعتكفات اور خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کے حضور خلوت نشین ہونے کے شرف سے بہرا یاب ہوئے ہیں. اور آپ سب خواتین اور حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں, اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ سے برکات اور انعامات کے مستحق ہیں کہ دور دراز سے اطراف و اکناف سے چل کر آپ نہ صرف اس شہر اعتکاف میں آئے بلکہ شہر تہذیب و تزکیہ میں آئے. اور شہر تربیت میں آئے. یہ اعتکاف خلوت بھی ہے, تربیت بھی ہے, تعلیم بھی ہے, تہذیب اخلاق بھی ہے, تزکیہ نفس کا ذریعہ بھی ہے, اور آداب دین سیکھنے کا وسیلہ بھی ہے, اور زندگی کو عمر بھر کے لیے سنوارنے اور اخلاق حسنہ اور روحانی قدروں کے ساتھ مزین کرنے کا کی سبیل بھی ہے. سو آج الحمدللہ تعالی توفیق ایزدی کے ساتھ پہلا درس ہے بعد نماز ظہر درس قرآن, اور میں نے طے کیا ہے کہ اس وقت کو جو 3:30 بجے تک ہوگا انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا, اگر اللہ پاک کا اذن اور امر ایسے ہوا تو کوشش کروں گا کہ اس وقت کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کروں, زیادہ وقت درس قرآن پر صرف ہو اور آخر میں کچھ وقت ہر روز درس حدیث پر صرف. اس وقت میں 2 درس ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالی, درس قرآن اور درس حدیث. درس قرآن کے لیے آج ہم سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں. میں نے دریافت کیا آج تو مجھے ریکارڈنگ سینٹر والوں نے اور سیل سینٹر والوں نے بتایا کہ پچھلے سال تک کے جو دروس قرآن ہوئے تھے
उनमें हमने सूरह अनफाल तक के मजमून को मुकम्मल किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज सूरह तौबा शुरू हो रही है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरत को, यह वाहिद सूरत है कुरान मजीद की 114 सूरतों में जिसको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के कलिमात के बगैर शुरू किया। इस सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं उतारी गई। वजह इसकी यह है कि इस सूरत की इब्तिदा हो रही है कुफार और मुशरिकीन मक्का, जिन्होंने मुसलमानों के साथ किए हुए मुआहदों को मनसूख कर दिया था, तोड़ दिया था, खत्म कर दिया था। तो कुफार और मुशरिकीन की तरफ से अमन के मुआहदे, जंग न करने के मुआहदे, इन मुआहदों को तोड़ देने के बाद इस्लाम पर और अहले इस्लाम पर अब कोई पाबंदी उन्हें अमान देने की और उन पर हमला न करने की न रही। चूंकि मुआहदा कुफार और मुशरिकीन ने तोड़ा था, मुसलमानों ने नहीं तोड़ा था, मुसलमान मुआहदे की पासदारी कर रहे थे, तो उनके मुआहदे को तोड़ने के जवाब में अल्लाह पाक ने यह आकाम नाजिल किए कि चूंकि उन्होंने अपना किया हुआ अहद खुद तोड़ दिया है, लिहाजा आज से उनके अमान खत्म करने का ऐलान किया जा रहा है। लिहाजा वो अमान के मुस्तहिक, अमन और अमान के मुस्तहिक नहीं रहे। तो चूंकि इस आयत करीमा के जरिए अमन और अमान को खत्म करने और वापस लेने का ऐलान हुआ और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अमन और अमान देने का नाम है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अमन और अमान अता करने का नाम है, अल्लाह रहमान है रहीम है, सरासर रहमत का बयान है। तो ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम राज है अमन और अमान का, और इस सूरत की पहली आयत में ऐलान हुआ कि अमन और अमान उनकी खत्म की जा रही है। लिहाजा इस मौका पर इन दो आयतों को इकट्ठा जोड़कर बयान करने का मौका न था, मुनासबत न थी। लिहाजा अल्लाह अपने इसलिए बिस्मिल्लाह यहां नहीं लगाई और फरमाया बराअतुम मिनल्लाह व रसूलही, कि आज अल्लाह और अल्लाह के रसूल अपनी तरफ से उनके अहद तोड़ देने के बाद ये भी अपने अहद से बरी जिम्मा हो गए। अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी कुफार और मुशरिकीन की तरफ से अहद तोड़े जाने के बाद अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी अपने अहद से बरी जिम्मा हो गए हैं, और जो अमान उनको दी गई थी उस अमान से बरात का ऐलान किया जा रहा है। खास तौर पे इशारा है बहुत बड़े मुआहदे की तरफ जिसे मुआहदा हुदैबिया कहते हैं। हुदैबिया के मैदान में बड़ी मारूफ सुलह हुई थी और सुलह नामा लिखा गया था, और 10 साल के लिए अहले इस्लाम, जिसको हम दौरे जदीद की इस्तेलाह में कहेंगे मदीना, आजकल मुल्क का जिक्र कर देते हैं, स्टेट का जिक्र कर देते हैं, तो उससे मुराद उस स्टेट की फिर सारी ताकतें कुव्वतें आ जाती। तो मुआहदा हुआ था कि मदीना और मक्का, उस वक्त जब मक्का कहा जाता था तो उससे मुराद कुफार और मुशरिकीन मक्का थे। तो दौरे जदीद की इस्तेलाह में एक मुआहदा हुआ था कि अहले मक्का और अहले मदीना के दरमियान 10 साल तक जंग नहीं होगी, और 10 साल तक ये एक दूसरे के खिलाफ किसी दूसरी फौज, लश्कर या ताकत की मदद भी नहीं करेंगे, और अलावा इसके फिर बाकी शरायत थी उस मुआहदे की। एक पूरा ट्रीटी ऑफ पीस था,
मुआहदा अमन था, नो वार पैक्ट था, जंग न करने का 10 साल मुआहदा था और उसके अंदर दीगर शरायत भी थी। और जाहिरन ये शरायत जाहिरन इस्लाम के खिलाफ दिखाई देती थी और कुफार मक्का के हक में दिखाई देती थी, मगर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमन की खातिर और बाज अजीम हिकमतों की खातिर और आला मसलहतों की खातिर जाहिरन कमजोर शरायत पर भी, जो दिखाई देने में कमजोर थी, पर होने वाले मुआहदे को भी कबूल फरमा लिया। मगर कुफार और मुशरिकीन मक्का ने मुश्किल से 1 साल गुजारा और वो भी खत्म होते या होने से कबल अपने किए हुए मुआहदे को, जो जाहिरन उन्हीं के हक में था, खुद तोड़ दिया। जब उन्होंने अपना मुआहदा तोड़ दिया तो उसके मुआहदे तोड़ने के जवाब में अल्लाह पाक ने अपने और अपने रसूल की तरफ से उनको दी गई अमान उठा ली, खत्म कर दी। तो ये बिल्कुल एक नेचुरल सी चीज है और मबनी बर अदल है, जस्टिस पर मबनी है। और पूरी दुनिया के जो जदीद जाब्ते और कवानीन हैं बैन अल-अक़वामी, उनके ऐन मुताबिक है। अब इतनी बात आप ज़हन नशीन कर लें जो मैंने अब तक कही, चूंकि थोड़ा सा आगे चल के इसका रेलिवेंस आएगा, इस बात की अहमियत आपको समझाऊंगा। इस मुआहदा टूटने पर जो अमान उठाई गई, अब इसके बाद मुसलमानों के लिए यह पाबंदी और बैन न रहा कि वो उन पर हमला न करें, मगर इसके बावजूद भी इस्लाम की तालीमात की अजमत देखें कि 4 महीने की मोहलत फिर कुफार मुशरिकीन मक्का को दी गई। 4 महीने तक फिर घूम फिर लो, उसके बाद चूंकि तुमने जंग न करने का मुआहदा खुद खत्म कर दिया है, सो उसके बाद जंग का सामना होगा। तो 4 महीने की मोहलत इसलिए दी गई, आगे कुरान मजीद में अगली आयत में आ रहा है, फइन तुबतुम फहुव खैरुल लकुम अन्नल्लाह बरी उम्मिनल मुशरिकीन व रसूलहू, कि अल्लाह और उसके रसूल अब मुशरिकों से जिन्होंने रूगर्दानी की है उनसे अलग हो गए, बरी हो गए। और फिर मोहलत इसलिए दी, फरमाया अगर तुम तौबा कर लो तो फिर भी ये मौका तौबा का है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, गोया अमान के पलट आने का फिर इम्कान है कि हम फिर अमान दे दें तुमको। यहां से ये बात मालूम होती है कि इस्लाम और आप मुसलमान हैं, इनके किरदार का बुनियादी हिस्सा है कि जो मुआहदा करें उसको पूरा करें। अब आपकी अमली जिंदगी के लिए तरबियत की बात समझा रहा हूं, जो अहद करें उसे पूरा करें, और अहद मुसलमान की तरफ से नहीं टूटना चाहिए, हत्ता कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे मामलात में भी कोई वादा करें तो पूरा करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउकूद, जो वादा करो ईमान वालो उसको पूरा किया करो। यही इनफिरादी किरदार है जिंदगी में ईमान का, और यही कौमी सतह पर इज्तिमाई किरदार है मुसलमान का। हत्ता के मुआहदा अगर काफिर से भी हो जाए और किसी काफिर कौम से भी हो जाए तो वो मुआहदा भी इस्लाम की तरफ से नहीं टूटता, हां कुफर की तरफ से टूट जाए तो फिर अमान खत्म हो जाएगी। और फिर इसमें आगे आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया, इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन थुम्मा लम यनकुसूकुम शैआ वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदा फअतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम
इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, और फिर उनके मुआहदे को तोड़ देने के बाद भी एक और एक्सेप्शन का आर्टिकल दिया है, आर्टिकल ऑफ एग्जेम्पशन। एक और एक आर्टिकल एग्जेम्पशन दिया है कि 4 महीने की मुद्दत है, तौबा कर लो तो उठाई हुई अमान तुम्हें वापस दे दी जाएगी। आर्टिकल ऑफ एग्जेम्पशन है। एक और आर्टिकल ऑफ एग्जेम्पशन दिया है इस्तिस्ना का, कि हालांकि कौमी सतह पर वो मुआहदा तोड़ चुके हैं, और फरमाया कि उनमें से अगर फिर भी कोई उस मुआहदे को बुरा करना चाहे अपनी अपनी हैसियत में, ये उस वक्त की बात है, आज चूंकि स्टेट्स एस्टेब्लिश हो गई हैं तो वो सूरत नहीं रही। तो फरमाया तो किसी ने अगर तुम्हारे साथ जो मुआहदा किया है और उसमें पूरा करने में कोताही न करे और तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद भी न करे, यानी अपनी तयशुदा शरायत पर अमलन कायम रहे, तो फरमाया फिर तुम उनके साथ मुय्यना मुद्दत तक उनके मुआहदे को तुम भी पूरा करो। तो यानी अगर उनमें कोई एक्सेप्शनल केस आ जाए तो उनसे तुम भी एक्सेप्शनल बर्ताव करो। तो कुरान मजीद के इन अहकाम से अमान उठाने के अहकाम हैं, मगर उसमें भी वाजे हो रहा है कि इस्लाम अकोमोडेटिंग है, अकोमोडेट करता है, हर मुमकिन हद तक दुश्मन को भी अकोमोडेट करता है। और फिर इसमें इरशाद फरमाया और एक और आर्टिकल ऑफ एग्जेम्पशन दिया, तीसरा, आयत नंबर 6 में फरमाया वा इन अहदु मिनल मुशरिकी नस्तजारा का फाजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह थुम अबलिहु मअमनहु। और फरमाया कि हालांकि कौमी सतह पे वो अपना मुआहदा तोड़ चुके, और मुआहदा तोड़ने का मतलब ये है कि वो दोबारा हालत जंग में आ गए। ये बात ज़हन में रख लें कि मक्का और मदीना के दरमियान स्टेट ऑफ वार थी, इन दोनों रियासतों के दरमियान हालत जंग थी, कायम हालत जंग थी, ये स्टेट ऑफ वार थी, और जब जंग नहीं होती थी तब भी स्टेट ऑफ होस्टिलिटी, अदावत की कैफियत रहती थी, जंग और अदावत की कैफियत थी मुस्तकिल। जब मुआहदा अमन हो गया सुलह नामा हुदैबिया के जरिए, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के जरिए, तो स्टेट ऑफ वार खत्म हो गई और स्टेट ऑफ पीस आ गई, अमन की हालत आ गई। उन्होंने जब ये मुआहदा खत्म कर दिया तो हालत अमन खत्म हो गई और फिर वापस हालत जंग पर अट आई। मैं बैन अलकवानी कानून की जुबान में अब थोड़ी बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ वार एंड लॉ ऑफ पीस के हवाले से। दोबारा हालत जंग आ गई। अब उस हालत जंग में एक और एक्सेप्शन, एक इस्तेसना इस्लाम की तालीमात की अजमत का नमूना दिया जा रहा है, वो ये कि इस कैफियत में भी अगर उन काफिरों मुशरिकों में से कोई आपके पास आ जाए और पनाह का सवाली बन जाए, पनाह मांग ले, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उसको भी पनाह दे दो, उसको अमन की जगह दे दो, पनाह दे दो, और चूंकि आपकी पनाह में आ गया है तो उसे अब अल्लाह का कलाम सुनाओ, अल्लाह का कलाम सुनाओ, और उसे अमन की जगह पर उसके घर भेज दो, उसे अमन मुहैया कर दो। तो गोया काफिर कौम जो है, जो हालत जंग में है, जो कौम एट स्टेट ऑफ वार है, उसका भी कोई फर्द आकर अगर पनाह मांग ले तो पनाह मांगने वालों को पनाह रिफ्यूज ना की जाए, पनाह दी जाए। आपने देखा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा और सीरत मुबारका में इसके नमूने मौजूद हैं। वो कुफार मक्का के, मुशरिकीन मक्का के, जो हालत जंग में थे मदीना के साथ और अहले मदीना के साथ और अहले इस्लाम के साथ, उनका कोई शख्स अगर किसी अपने काम मदीना आ जाता
और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर पनाह तलब करता तो आका उन काफिरों मुशरिकों और दुश्मनों की कौम से आए हुए शख्स को भी अपने घर में पनाह दे देते, इतना कर्म फरमाते। तो हदीस में आया है कि एक शख्स आया, उसके पास ठिकाना नहीं था, अपने काम काज आया था, रात को हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, पनाह मांगी, आपने पनाह भी दे दी, उसको रात का खाना भी दिया। एक हदीस में है उस रात बकरियां थी, अपने हाथों से दूध दो दो कर 6 बकरियां थी, सारी बकरियों का दूध उसको पिला दिया और खुद और अहले बैत मोहम्मद उस रात भूखे सो गए। काफिर दुश्मन है मगर चूंकि पनाह तलब कर ली है दरे रसूल पर, तो उसको पनाह ही नहीं दी बल्कि जो कुछ था वो खिला दिया और खुद भूखे सो गए। तो इस्लाम का अमल इतना अजीम है। आप इतिकाफ में हैं और तहरीक मिनहाजुल कुरान के कारकुनान हैं, वाबस्तगान हैं, मुस्तफ़वी इनकलाब के सिपाही हैं और राह हक के मुसाफिर हैं और सालिक इल्लाह हैं, अल्लाह की राह के मुसाफिर हैं। आप तसव्वुफ और सुलूक के जरिए रूहानियत का सबक लेने आए, सुलूक लेने आए, रूहानी और अखलाकी तरबियत लेने आए। उसका पहला सबक यह है कि ज़र्फ इतना वसी हो कि दुश्मन भी पनाह मांगे तो पनाह देने में दिल में तकद्दुर ना हो। रूहानियत जिन बुनियादी खसलतों से शुरू होती है, या यूं कर लें कि जो बुनियादी खसलतें तसव्वुफ और सलूक पैदा करना चाहता है, उनमें से यह है कि ज़र्फ इतना वसी हो जाए कि उसके अंदर से तंगी खत्म हो जाए, ज़र्फ की तंगी खत्म हो जाए, दुश्मन भी पनाह मांगे तो माथे पर शिकन लाए बगैर और दिल पर मलाल लाए बगैर उसको खुश तबी या खुश दिली से पनाह दे दी जाए। तो अल्लाह की राह का मुसाफिर दिल का सखी होता है। ये जिंदगी में आपने इस खसूसियत को अपनाना है, दिल का सखी होता है। अल्लाह की राह का मुसाफिर, मुस्तफ़वी इनकलाब का सिपाही और रूहानियत का तालिब, अल्लाह का तालिब, दिल का सखी करीम नफ्स होता है, वसीउ ज़र्फ होता है। और अगर दिल में तंगी हो, अकोमोडेटिंग ना हो, हम तो अपने भाइयों और दोस्तों को अकोमोडेट नहीं करते, कुरान और सुन्नत मुस्तफा दुश्मनों को अकोमोडेट करने की सबक सिखा रही है। हम लोग तो, आप लोग तो तंजीम के अंदर अपने भाइयों को अकोमोडेट नहीं करते और इसी के ऊपर हमारा झगड़ा रहता है तंजीमों में, रहता है या नहीं है? तो अल्लाह पाक ने तो दुश्मन कोई पनाह मांगे तो उसे अकोमोडेट करने की बात की है और उसे अमन की जगह पर पहुंचा दो। तो मुसलमान के लिए सब्र है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है, टॉलरेंस है, वुसअत कल्बी है, मुआहदे की पाबंदी है। और अगर पनाह लेने आया तो फरमाया कि उसको फिर पनाह दे दें और फिर अल्लाह का कलाम सुनाए और जाए अमर पर पहुंचा दें, यानी हिकमत के साथ तबलीग करना है, हिकमत के साथ तबलीग करना है। यानी दुश्मन आया है, काफिर आया है तो खड़े खड़े नहीं तबलीग मार दी उसको, उसको पनाह दी है पहले उसको पनाह दे दें ताकि उसका दिल आपके लिए नर्म हो जाए और उसके दिल में आपकी बात सुनने की कबूलियत पैदा हो जाए और फिर उसे पैगाम अल्लाह का पहुंचाएं और वो सुन ले तो जाए अमन पे पहुंचा दे। एक हिकमत बताइए। अब इफाए अहद के बारे में तलकीन और नसीहत करने के बाद, अब मैंने जो शुरू में आपको बातें की कि ये जो अमान उठा ली गई इसका पस मंजर क्या था, तो मैंने कहा था कि आगे चल के इसका रेलेवेंस आएगा। वो रेलेवेंस ये है कि जो इस्लाम पर एतराज करने वाले हैं, मगरबी दुनिया के मोतारजीन,
मुखालिफीन इस्लाम और जो लोग इस्लाम की तालीमात को न पढ़ते हैं न सुनते हैं न समझते हैं, सो वो जानते नहीं इस्लाम की आला अमन आश्ती मोहब्बत और वसअत और बर्दाश्त पर मबनी तालीमात को नहीं जानते। और दुश्मनान इस्लाम इस्लाम को और आलम इस्लाम को बदनाम करने के लिए प्रोपेगंडा करते रहते हैं, छापते रहते हैं और पूरी दुनिया में इस अमर की झूठी तशहीर करते रहते हैं कि माज़ल्ला। आगे आयतें आ रही हैं ना, इस मुकाम पर आगे वो आयतें आई हैं जहां जिक्र है किताल का, जंग का, जंग और किताल का आगे जिक्र आ रहा है आयतों में। आयत नंबर 12 में है, आयत नंबर 13 में है, आयत नंबर 14 में है। तो आगे फिर किताल और जंग का जिक्र है कि जो आइम्मत अल कुफर हैं, जो सरगने हैं कुफर के और उनके सरदार हैं, उनको लड़ो मारो। इस तरह आगे फिर अहकाम आए। मुखालिफीन इस्लाम क्या करते हैं, नौजवान खास तौर पे समझें, तलबा बच्चे बच्चियां बेटियां बाहर से जो आए हैं, फॉरनर्स भी और मकामी खास तौर पे समझें, मुबल्लिगीन समझें, दाई तहरीक के मिशन की दावत फैलाने वाले, इस्लाम को की तालीमात आम करने वाले समझें। मुखालिफीन इन आयतों का और इस तरह और सूरतों में भी ऐसी आयतें आई हवाला देकर ताना ये देते हैं कि देखिए इस्लाम के अंदर तो माज़ल्ला ये है कि काफिरों को मार दो, कत्ल कर दो, इस्लाम तो काफिर कौम को बर्दाश्त नहीं करता। इन आयतों का हवाला देते उनके सरगनों को मारो, जहां मिले उनको कत्ल कर दो, उनको अजाब दो, सख्त सजा दो। इन आयतों को मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा करके पढ़कर इस्लाम के ऊपर ताना देते हैं, तनकीद करते हैं कि देखो माज़ल्ला इस्लाम तो ये है, बर्बरियत है, दहशत फैला रहा है, बर्बरियत फैला रहा है, कत्लो गारत गरी फैला रहा है, दुश्मन को मुखालिफ को काफिर को मार रहा है मुसलसल, टॉलरेंस नहीं है। इस तरह का एक हवा क्रिएट कर देते। अब ये जो मैंने पस मंजर समझाया वो पूरी बात समझने और जवाब पाने का आपको मौका मिल गया कि ऐसी जहां भी आयतें आएंगी आप कुरान मजीद के उस मुकाम के सियाक को सबाक को पढ़ें, उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें, उसके अव्वल और आखिर को पढ़ें, तो पूरी हकीकत खुल जाएगी कि दुश्मन का एतराज महज झूठा प्रोपेगंडा है या जहालत है या अदावत है। मुखालिफीन इस्लाम का एतराज या जहालत है या अदावत है या इग्नोरेंस है और यह एनिमिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि यहां जो हुक्म दिया गया है वो जालिम लोग ये वो बदनाम इस्लाम को करते हैं, इधर तवज्जो नहीं करते कि इस्लाम ने तो मुआहदा नहीं तोड़ा, इस्लाम ने तो मुआहदे की पासदारी की, मुआहदे की बिना पे उनको अमन दिया, अमान दी, 10 साल जंग न करने के मुआहदे पर पाबंद हुआ। अब मुआहदे अमन तोड़ा है कुफार और मुशरिकीन ने, इस्लाम ने तो नहीं तोड़ा। तो जब उन्होंने मुआहदे अमन तोड़ दिया तो वो किसी भी वक्त इस्लाम पर हमला कर सकते हैं। मुआहदे अमन तोड़ने का ऐलान करना दर हकीकत ऐलान है कि दोबारा हालत जंग शुरू कर दी है हमने। मुआहदे अमन तोड़ देने का ऐलान, इसका माना यह ऐलान करना है कि हमने फिर हालत जंग शुरू कर दी है। इट इज अगेन स्टेट ऑफ वार और स्टेट ऑफ पीस बाकी नहीं रही, अब फिर हालत जंग हो गई है। तो जब दो कौमों में हालत जंग का ऐलान हो जाए एक तरफ से तो दूसरी कौम जंग के अकाम उस पर नाजिल नहीं होंगे, तो दोस्ती के अकाम तो उस वक्त नहीं नाजिल हो सकते। तो ये दुश्मनों और इस्लाम के मुखालिफों और काफिरों की तरफ से हालत जंग का ऐलान कर देने के बाद नाजिल होने वाली आयतें हैं। सो इस्लाम पर ऐसी कोई तोहमत नहीं आ सकती।
कि जब उन्होंने हालत जंग का ऐलान कर दिया है तो इस्लाम उस वक्त तो अब नहीं कह सकता मुसलमानों को कि तुम उसी तरह अमन के पाबंद रहकर चुप करके बैठे रहना, बिशक तुम्हारी गर्दनें काट के ले जाएं, तुम्हारे घर लूट के ले जाएं, तुम्हारे टुकड़े कर दें, मार दें। तो जब हालत जंग का ऐलान दुश्मन कर दे तो उस वक्त अपनी कौम को जंग न करने का हुक्म तो कोई नहीं देता। उस वक्त जो अहकाम आएंगे वो तो जंग करने के ही अहकाम आएंगे कि कैसे करनी है। बस ये सादा सी बात है। अब आपने देखा कितना बड़ा एक एतराज दुश्मन ने हवा खड़ा किया था और एक मिनट में आसानी के साथ हवा अम मंसूरा ऐसे खाक के जर्रों की तरह उड़ गया। इस्लाम पर जो एतराज होगा इस तरह रेत के जर्रों की तरह उड़ जाएगा, चूंकि इस्लाम बड़ा अजीम दीन है। बशर्ते कि हम समझें और हालांकि इसमें मैंने वाज़ह बयान कर दिया कि मुखालिफ पूरे पस मंजर को नजरअंदाज करके इन आयतों को सिर्फ मुतालिक आयतों को चुनकर एतराज करते हैं। और ये बात हमेशा ज़हन नशीन रखे कि जब ट्रीटी ऑफ पीस के जरिए मुआहदा हुदैबिया के जरिए हालत जंग खत्म हो गई और हालत अमन शुरू हो गई तो फिर उस मुआहदे को भी इस्लाम ने इस शक्ल में कबूल किया कि हुदैबिया का मुआहदा सन 6 हिजरी में हुआ। कब? और जो 6 साल पिछले गुजरे थे इस बात को भी मैं शामिल करना चाहता हूं ताकि आपको तसव्वुर और क्लियर हो। 6 सालों में जितनी जंगें हुई थी मक्का और मदीना के दरमियान, यानी कुफर और इस्लाम के दरमियान, पूरे 6 सालों में हिजरत के बाद जितनी जंगें हुई थी एक जंग भी मक्का के बॉर्डर पे नहीं हुई थी, सब जंगें मदीना के बॉर्डर पर हुई थी। आपकी समझ में आ गई बात? 6 सालों की सारी जंगें तारीख उठा के देखें बॉर्डर ऑफ मदीना पे हुई, या गज़वा अहज़ाब खंदक खोद कर मुसलमान अपने आप को हमले से बचाते थे और वो मदीने की सरहदों पर दाखिल होकर हमला कर रहे थे कुफार मक्का। और गज़वा खंदक किसको मालूम नहीं है? ट्रेंच जो खंदक बनाई गई थी, खोदी गई थी मदीना शहर के ऊपर चारों तरफ फसील वाली जगह पर, वहां तक आकर वो हमला कर रहे थे और हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के हमरा डिफेंसिव होकर अपने शहर को बचा रहे थे। तो इस्लाम डिफेंसिव था। या 2 मील के फासले पर बद्र के मैदान में कुफार हमला कर रहे थे और मुसलमान अपना डिफेंस कर रहे थे गज़वा उहद में, या पहली जंग कुफार मक्का मुशरिकीन मक्का मदीना पर हमला करने के लिए आ रहे थे, खबर मिली तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बजाय इसके कि वो शहर में दाखिल होकर हमला करें हम डिफेंस करें और बाहर निकल के उनको रोक दें, तो बाहर निकले और बाहर निकल के कुफार और मुशरिकीन मक्का के हमले को रोका और उस मैदान में जो बद्र कहलाता है गज़वा बद्र हुआ। वो ज्यादा सफर मक्का से मदीना की तरफ तय करके आ गए थे, थोड़ा सफर बाकी रह गया था तो वो भी मिड ऑफ द वे नहीं था, मदीना के करीब था, मक्का से दूर था। अलगरज जितनी जंगें 6 सालों में होती रही उनमें इस्लाम डिफेंसिव रहा, ऑफेंसिव नहीं हुआ, एग्रेसिव नहीं था, ऑफेंसिव नहीं था, इस्लाम हमेशा डिफेंसिव था। काफिर और मुशरिक ऑफेंसिव थे तो बावजूद मुसलसल ऑफेंस करने के फिर क्या हुआ? जब हुदैबिया के मैदान में मुआहदा हुआ तो मुसलमान जंग करने नहीं गए थे, हज करने गए थे, असलहा ले बांध कर नहीं गए थे, एहराम बांध कर गए थे, कुर्बानी के जानवर लेकर गए थे। ये बंद कर दें, क्यों चलाते हैं आप ये मोबाइल? सारे बंद रखे, क्या करते हैं आप लोग? एहराम बांध कर गए थे हज के लिए। तो गोया हुदैबिया में पहुंचे तो मुसलमान उस वक्त भी अलामत अमन थे। एहराम अलामत अमन होता है, याद रख लें, एहराम अलामत अमन होता है। क्यों? कि हालत एहराम में आप शिकार भी नहीं कर सकते,
ईरान की हालत में आप जंग नहीं कर सकते, तलवार नहीं चला सकते, बंदूक नहीं चला सकते। हालत ईरान में आप शिकार नहीं कर सकते, दरख्त नहीं काट सकते। वो चीजें जो आम हालात में जायज होती हैं वो भी मना हो जाती हैं। अमन इतना तारी कर दिया जाता है अय्याम हज में, हालत अमन में। और ये कैफियत उम्रे की होती है, ये कैफियत उम्रे की होती है। तो अब वो जब मुसलमान इधर आए थे तो हालत एहराम में आए थे, हालत एहराम में आए थे। तो आप देखें कि जब वो हुदैबिया में पहुंचे पहली बार, हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का से गए, हिजरत मदीना हुई, हिजरत की, और हिजरत के बाद 6 साल पूरे होने के बाद पहली बार मक्का आए हैं, आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद मक्का आए हैं, तो वो भी एहराम बांध कर आए हैं। इससे बढ़कर अलामत अमन और क्या हो सकती है? और वो सरापा अमन बनकर आए हैं हालत एहराम में, और उनको भी फिर तवाफ नहीं करने दिया, उमरा नहीं करने दिया, हज के लिए नहीं आगे बढ़ने दिया गया। हज के लिए उन्होंने एहराम वहीं खोल दिए आका अलैहिस्सलाम के हुक्म पर, और कुर्बानियों के जानवर को, कुर्बानी के जानवरों को वहीं ज़िबा कर दिया सहाबाए कराम ने, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पर। इतनी पासदारी अमन की थी। और उस सिचुएशन में मुआहदा अमन हुआ, हालांकि वो जाहिरन मौका मुआहदा अमन का नहीं था। उस वक्त भी कुफार अमन के खिलाफ इकदाम कर रहे थे, भाई काबे की जियारत की भी इजाजत नहीं दे रहे थे, ईरान की हालत में अल्लाह के घर तक आने की इजाजत नहीं दे रहे थे। मगर उसके बावजूद भी जब अमन की बात चली तो आका अलैहिस्सलाम ने कमजोर शराइत को भी जाहिरन कबूल फरमाकर मुआहदा अमन कर लिया। इससे बढ़कर तारीख इंसानियत में अमन दोस्ती का कोई सबूत नहीं हो सकता, अमन दोस्ती का कोई सबूत नहीं हो सकता। ऐसी हालत में किया गया मुआहदा अमन, उसको भी फिर उन्हीं काफिरों ने तोड़ दिया। और शराइत भी इस किस्म की थी कि अगर कुफारे मक्का का कोई आदमी मदीना जाएगा तो मदीना पाबंद होगा उसे वापस भेजने का, रोक नहीं सकता। और अगर अहले मदीना का कोई आदमी मक्का आ जाएगा तो मक्का वाले उसे रोक लेंगे, वापस नहीं भेजते। सीनाजोरी है, हट धर्मी है, यकतरफा शर्त है। सहाबा कराम इस चीज के ऊपर जज्बाती थे, मगर आका अलैहिस्सलाम ने अमन और मसलहत की खातिर ये शर्तें भी कबूल फरमा ली। इवन देन ऐसा किया हुआ मुआहदा अमन भी तोड़ा तो कुफार और मुशरिकीन ने तोड़ा, इस्लाम ने नहीं तोड़ा। और अब उन काफिरों के सरगनों का आलम यह है कि फिर भी तोहमत जंग इस्लाम पर है, फिर भी तोहमत जंग इस्लाम पर है, वो इस्लाम जो सरापा अलामत अमन है, सिंबल ऑफ पीस। ये मैंने कहा कि एक फिक्री बात है, इल्मी आपको और समझा दू। पूरी दुनिया में यह बहस जारी है, पूरी दुनिया में यह बहस जारी है। तो इस तसव्वुर को कर दें, इसके बहुत से और भी मौजूआत होते हैं, जुजियात होती हैं। तो अब अगर 1000 या 100 जुजियात हो तो एक दर्स में सारे नहीं कवर कर सकता, एक ही मौजू पे चल पड़े तो दर्स तो रह जाएगा ना। फिर तो मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया, बकाया जितने भी इसके साथ मुलहकात होंगे, जुजियात होंगे, उसको तारीखी तनाजुर में, पस मंजर में देखेंगे तो जवाब खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। और इस्लाम की अफवाज जहां भी गई हैं वो वहां की मजलूम रियाया की काल पर गई हैं, बस ये बात समझ, जुल्म मिटाने के लिए गई है, मजलूम रियाया ने काल की है तो मजलूम इंसानियत के लिए गई हैं। और जब मजलूम रियाया काल करती है तो जो अफवाज पहुंचती हैं इसको कहते हैं हुकूक इंसानी की बहाली के लिए गई हैं। मुसलमानों की फौजें दुनिया में तारीख में जहां गई हैं इंसानी हुकूक की बहाली के लिए गई हैं। इस्लाम की सारी जंगें 1300 साल में जहां दूसरी जमीन पर जाकर हुई वो इंसानी हुकूक की बहाली के लिए हुई। बस मेरा एक जुमला
इसमें आप हजार हा इवेंट्स को ले लें, हर चीज की तफसीर हो जाएगी। या दिफा पर हुई है या जंगें अपने दिफा पर हुई हैं, या मजलूमों के दिफा पर हुई है, या इस्लाम ने अपने दिफा के लिए जंग की है इस्लामी रियासत के दिफा के लिए, या मजलूम इंसानियत के दिफा के लिए इंसानी हुकूक की बहाली के लिए जंग की है। अपना दिफा किया तो यह भी अमन था, मजलूम इंसानों के हुकूक का दिफा किया तो वह भी अमन था। ये अब इसमें कई होने वाले सवालात बकिया जो रह गए वो सारे आ गए। बच्चे ने एक जुमला बोला था, मैंने कहा इसको कवर कर दूं। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया आगे चलकर आयत 20 में, अल्लज़ीन आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़म दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। यहां अल्लाह पाक ने इनकलाब के लिए जिद्दोजहद के लिए अल्लाह की राह के मुसाफिरों के लिए आप सबके लिए कामयाबी की तीन शर्तें लगाई हैं। बोलिए, कामयाबी की तीन शर्तें लगाई। आप कई बार पूछते हैं इनकलाब कब आएगा, देर क्यों हो रही है? तो पहली बात तो यह कि इनकलाब पुराठा नहीं है कि तवे पे सेकंड में पक जाए और घी वाला पुराठा तेजी से आप गरम गरम खा लें। यह वक्त लेता है। यह वक्त पैगंबर इस्लाम का इनकलाब, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हयात मुबारका में लाया गया इनकलाब, जिसकी क्यादत आप हयात जाहिरी में बेनफ्स नफीस फरमा रहे थे, और जिस इनकलाबी फौज के सिपाही अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जैसे लोग थे, और फिर उनके अहवाल और कुर्बानियों का तो आलम कुरान भरा पड़ा है बयान से। वो इनकलाब 23 बरस की जिद्दोजहद लगी है उस पर, और तब जाके मक्का फतह हुआ। इनकलाब अपनी एक मंजिल पर पहुंचा। कितना? 23 बरस की जिद्दोजहद। गलबा हक की मंजिल पर पहुंचने वाले, इनकलाब की जिद्दोजहद करने वाले, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले कम हौसला, कम जर्फ, कम हिम्मत नहीं होते। तब आएगा, कब आएगा? ये तो इस तरह है कि मेरे बच्चे छोटे थे, ये 80s की बात है, बेटा हसन और उसकी बाजी छोटे थे, फातिमा और हसन छोटे बच्चे थे, तो मैं कभी छुट्टियों पर लाहौर से जंग जाया करता था। ये हमारे घर में लतीफा है, तो जब जंग जाया करते तो समराबाद रहते थे, तो जो ही हम शेखपुरा नहीं, ये रावी क्रॉस करते, रावी और शाहदरा क्रॉस करके शेखपुरा रोड पे चलते थे, छोटे बच्चे थे ये दोनों, उस वक्त से पूछना शुरू, अबू जी जंग कब आएगा, अबू जी जंग कब आएगा? मैं कहता था बेटे अभी अब लाहौर से निकले नहीं है, जंग पहले पहुंच गए, अभी तो लाहौर से नहीं निकले, रावी पर होते तो अबू जी जंग कब आएगा, जंग कब आएगा? फिर उनके सवाल शुरू हो जाते और फिर वो सर खा जाते थे। मैं उनकी अम्मी जी को कहता कि इनके जंग कब आएगा को रोक दें, क्योंकि उस जमाने कई बार ऐसा ड्राइवर नहीं था मेरे पास और मैं गाड़ी खुद भी ड्राइव करके जंग जाता था। अब नहीं उतनी ड्राइव करनी आती मुझे, जितनी उस वक्त ड्राइव कर लेता था, अब उतनी ड्राइविंग में महारत नहीं रही, चूंकि अब वो फुर्सत ही नहीं, फुर्सत ही नहीं है खुद ड्राइव करने की, मशक नहीं रही, तो कई बार मैं खुद ड्राइव करके जाना होता था, तो मैं कहता था इनको रोक दे, डिस्टर्ब करते, वो जंग कब आएगा, जंग कब आएगा, बस इनकलाब कब आएगा, जंग कब आएगा, लाहौर से निकले नहीं है, जंग पर पहले पहुंच जाए। इनकलाब की बुनियादी शर्तें तकाजे पूरे नहीं किए, इनकलाब पहले आ जाए। मेरी बात आप समझे, ये मिसाल मैंने आपको आपके जर्फ को वसी करके और आपके हौसले को बुलंद करने के लिए दी, और एन मुताबिक के हाल है या नहीं लोधी साहब जी? मुताबिक के हाल, शरायत अल्लाह पाक, इनकलाब आता है, गलबा दीन हक आएगा, इनकलाब आएगा,
मगर उसकी जिद्दोजहद करने वाले लोग उन्हें कुछ शरायत पूरी करनी है। जब वो शरायत कौम पूरी कर लेती है, जिद्दोजहद करने वाले शरायत पूरी कर लेते हैं, तो जो सिले में अल्लाह के वादे हैं फिर उन वादे के पूरा होने का भी वक्त आ जाता है। लिहाजा इसको आप महीनों और सालों की टर्म में मुतय्यन करके बोलिए नहीं बता सकते। आप पे डिपेंड करता है कि कितना जल्द ले आए, आप पे डिपेंड करता है कितना जल्द ले आए। जितना गुड़ डाल देंगे उतना मीठा हो जाएगा। शर्तें जितनी कमाल तरीके से पूरी कर देंगे इनकलाब उतना करीब आ जाएगा। और जितने आपकी जिंदगियों में तसाहुल और गफलत और कमजोरियां होंगी इनकलाब उतना दूर हो जाएगा। तो ये एक रिलेटिव मैटर है कि कब आएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया इस आयत में उसका जवाब है, अल्लज़ीना आमनु, पहली शर्त के ईमान ले आओ। आओ हम सब अपने गिरेबानों में झांक कर अदल से, इंसाफ से, ईमानदारी से सोचें, तज्जिया करें कि क्या हमने ईमान लाए और ईमान लाने के हुकूक अदा किए हैं। ला तहिनु वला तहजनु व अंतमुल अलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह पाक ने यही आयत करीमा है ना जिसमें वादा किया है, तो इसको मशरूत वादा किया है, अनकंडीशनल वादा नहीं है। अल्लाह की तरफ से वादा है कि तुम गालिब हो जाओगे, गलबा आएगा, कामयाब होगे। ये अल्लाह ने किया है, ये उसके वादे का पार्ट है, हिस्सा है। उससे पहले हमारा हिस्सा है, क्या हमने अपना पार्ट, अपना हिस्सा पूरा कर लिया। अल्लाह ने फरमाया कि तुम गालिब होगे, ना गम करो ना पस्त हिम्मत बनो, तुम्हें गलबा मिलेगा। एक बात हो गई, मशरूत वादा हो गया। और अगली क्या, आपका हिस्सा, इन कुन तुम मोमिनीन, तुम मोमिन बन के दिखा दो, मैं तुम्हें गलबा अता कर दूं। तुम मोमिन बन के दिखा दो, मैं तुम्हें गलबा अता कर दूं। तो उसके लिए तीन बुनियादी शर्तें बयान की। फरमाया कि ईमान लाना, वहाजरू, और उसके बाद अगली शर्त जो अभी तक पूरी नहीं की आपने। जब से तहरीक की जिद्दोजहद शुरू हुई है आज के दिन तक अगली शर्त पूरी, पहली शर्त नक्स के साथ पूरी की, ईमान लाने की शर्त ना किस तरीके से टूटी फूटी पूरी की, ना किस तरीके से कुछ की, कामिलन नहीं। दूसरी शर्त वहाजरू, फरमाया और हिजरत करो, घर बार छोड़ दो। कितनों ने घर छोड़ दिए, बोलिए कितनों ने छोड़ दिए, बोलिए जी नहीं छोड़े। तो फिर अगली बात पूछने का हक पहुंचता है। अल्लाह पाक ने तीन चीजें मुकरर फरमा दी, ईमान लाओ, जो ईमान लाए, और जिन्होंने हिजरत कर ली, घर छोड़ दिए। अब हिजरत की शक्लें, हिजरत की शक्लें, एक बुनियादी हिजरत क्या है, अपने बुरे गफलत के किरदार से, नाफरमानी के किरदार से, फिस्क और फुजूर के किरदार से, गुनाह के किरदार से, नापसंदीदा किरदार से हिजरत कर दी। इस किरदार को छोड़ दिया जो अहले मक्का कुफार मुशरिकीन का था, मिसाल दे रहा हूं, और उस किरदार की तरफ मुंतकिल हो गए जो मदीना ने अता किया। गोया कुफर से हो तो ईमान में मुंतकिल हो जाओ, फिस्क व फुजूर में हो तो तकवा में मुंतकिल हो जाओ, नाफरमानी में हो तो फरमा बरदारी में मुंतकिल हो जाओ, गफलत में हो तो मुस्तैद होने में मुंतकिल हो जाओ, सोए हुए हो तो जागने में मुंतकिल हो जाओ, ज्यादा खाते हो तो कमखोरी में मुंतकिल हो जाओ, लख बोलते हो तो कम सुखनी में मुंतकिल हो जाओ,
दूसरों से नफरत कदूरत रखते हो तो माफ करने की तरफ मुंतकिल हो जाओ। रिस्क हराम कमाते और खाते हो तो हलाल की तरफ मुंतकिल हो जाओ। अल्लाह की इबादत के तारिक हो तो हमा वक्त बंदगी की तरफ मुंतकिल हो जाओ। अल्लाह की रजा की तरफ मुंतकिल हो जाओ, तवक्कुल की तरफ मुंतकिल हो जाओ, तफवीज की तरफ मुंतकिल हो जाओ, उसकी बंदगी और अबदीजत की तरफ मुंतकिल हो जाओ, हुजूर की सुन्नत और इत्तेबा की तरफ मुंतकिल हो जाओ, और दुनिया और माल और दौलत की मोहब्बत और हिर्स छोड़कर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की तरफ मुंतकिल हो जाओ। यह इंतकाल किरदार का पहली हिजरत है। इस पर हर साल मेहनत करते हैं, सर पकड़ के बैठते हैं, 10 दिन में करते हैं, वापस जाके पलट कर फिर वो हालत जंग बहाल हो जाती और अमन खत्म हो जाता है। 10 दिन की मेहनत से कल्ब व बातिन को कुछ अमन मिलता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह के साथ एक मुआहदा होता है, आपकी रूह को अमान मिलती है, कल्ब और बातिन हालत अमन में आता है। 10 दिनों के बाद पलट कर उसी दुनिया में जाते हैं, 4 दिन नहीं गुजरते तो फिर हालत जंग बहाल हो जाती है, रूह फिर दब जाती है, नफ्स ऊपर आ जाता है, मोहब्बत इलाही दब जाती है, ख्वाहिश दुनिया गालिब आ जाती है, रहबत इल्लाह दब जाती है, हिर्स दुनिया फिर गालिब आ जाती है, अफ दरगुजर माफ करना दिल की वुसअत दब जाती है, फिर किड़किड़ गीबत चुगली एक दूसरे का शिकवा शिकायत का किरदार गालिब आ जाता है। जुबान की हिजरत हमने की नहीं, जुबान की हिजरत की होती तो लहव कलाम की जगह अल्लाह का जिक्र आ गया होता। दिल की हिजरत नहीं की, अगर दिल को हिजरत कराई होती तो दिल से दुनिया की मोहब्बतें निकलती और अल्लाह की मोहब्बत की तरफ दिल चले जाते। रूह की हिजरत नहीं की, अगर रूह की हिजरत हो जाती तो फिर रूह इस दुनिया में फना हो जाने की बजाय मादी आलम नासूत की बजाय आलम मलकूत का सफर शुरू कर देती। हमने तो लोगों कोई हिजरत नहीं की, न बदन की हिजरत, न जुबान की हिजरत, न आंख की हिजरत, न कान की हिजरत, न दिल की हिजरत, न रूह की हिजरत, न जाहिर की हिजरत, न बातिन की हिजरत। यह तो हिजरत का एक रुख है, और दूसरी हिजरत फिर अल्लाह के दीन के लिए घर बार जब आवाज दी जाए छोड़ के निकल जाना, जब काल मिले छोड़ देना। अगर आप बिलफर्ज मिसाल दे रहा हूं, 10,000 वाबस्ता हैं, 1,00,000 वाबस्ता हैं, मिसाल दे रहा हूं, 10,00,000 वाबस्ता हैं, जितने भी हैं, अपने ईमान से कहिए जब आपको अल्लाह के दीन की इकामत और इनकलाब और गलबा हक के लिए काल दी जाती है, तरबियत के लिए काल दी जाती है, आओ आपकी तरबियत करें, आओ इस्लाह अहवाल की कोशिश करें, आओ आपकी तैयारी करें, जब काल दी जाती है तो लाखों हजारों वाबस्तगान में कितने परसेंट आते हैं घर छोड़कर। हालांकि ये मैदान जंग में नहीं बुलाया जा रहा, बम्बों बम्बारी में नहीं बुलाया जा रहा, नीरा अमनी अमन है। 10 दिन है, और अगर एक महीने के लिए बुला लेते तो क्या परसेंटेज रह जाती। 10 दिन एतिकाफ के लिए बुलाते, अगर आपने ये शर्त पूरी की होती तो जब 10 दिन आपको बुलाया जाता घर छोड़ना हिजरत करो, हिजरत पर अमल अगर अमल किया होता तो ये पूरा ग्राउंड और अतराफ व अकनाफ में मीलों तक मोतकफीन बैठते, जगह ना मिलती। कितने परसेंट आते, 10 दिन के लिए बुलाया, एक अदना सी हिजरत इल्लाह है, 10 दिनों की हिजरत इल्लाह है। गल्ब और इनकलाब का इंतजार करने वालों, एक तरफ हमारा आलम यह है कि 10 दिनों के लिए अमन में बुलाया ताकि इस्लाह आबाद हो जाए, कलील आते हैं, यानी कुल तदाद कारकुनान वाबस्तगान के तनासुब में क्यों, मजबूरियां हैं, घर बार है, कारोबार है, बच्चों के साथ पास कोई नहीं, हजार उज्र हैं। आगे ये पूरी सूरत भरी पड़ी है, इन्हीं उज्रों की वो मुनाफिक किया करते थे। हमारे अंदर से निफाक अभी नहीं निकला, हमारे अंदर से निफाक नहीं निकला। 10 दिन इस्लाह अहवाल के लिए, रगबत इल्लाह के लिए,
रूहानी तैयारी के लिए और बड़े इनकलाब और जिहाद के लिए, इंसान की नफसानी तैयारी के लिए 10 दिन तैयारी के लिए बुलाया जा रहा है मशकों के। ये मशक है आपको, ये क्या है? मशक है, आपका कैंप है, ट्रेनिंग है। 10 दिन की ट्रेनिंग पर बुलाते हैं तो 1% 2% रिस्पॉन्स होता है, और अगर एक महीने के लिए बुला लेता, 40 दिन के लिए बुला लेता, तो आप ईमान से कहिए कितने रह जाते। तो हिजरत पर अमल का आलम यह है। और हर रोज पूछते हैं कारकुनान, इनकलाब कब आएगा जी? इनकलाब को तो आपने खुद बगल में दबा रखा है, बल्कि मैं कहूंगा पांव के नीचे दबा रखा है। इनकलाब के लिए हमेशा अपने जहनों को साफ कर लें, मुझसे मत पूछें, अपने अल्लाह से पूछें कब आएगा। अल्लाह आपको बताता है जब आप हिजरत कर लेंगे, फिर जिहाद पे निकल पड़ेंगे, इंकलाब आएगा। अल्लाह से पूछें, पूछें अल्लाह से इंकलाब कब आएगा, पूछें अल्लाह पाक से, पूछें ना इंकलाब। अल्लाह पाक जवाब देता, अल्लज़ीन आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम आज़मो दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। तब इंकलाब आए, फाइज़ून, तब तुम्हें कामयाबी हो जाएगी। कुरान कहता यही लोग कामयाब होंगे, यानी इंकलाब आ जाएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अगर 40 दिन के लिए बुला लेता, खाना भी मिले, रिहाइश भी, तो कितने रह जाते। तो कितने हैं जिन्होंने हिजरत की? न किरदार की हिजरत की, न गुफ्तार की हिजरत की, न घर बार की हिजरत की, न गुफ्तार की हिजरत की, न किरदार की हिजरत की, न घर बार की हिजरत की, कि जब काल हो घर बार छोड़ के आ जाएं। तो अल्लाह पाक ने ये शर्त आयद की है कि ईमान लाएं फिर हिजरत करें, और फिर हिजरत कर लें तो तब फरमाया वजाहदू फी सबीलिल्लाह बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, फिर कुर्बानियां दें अपने माल की भी और अपनी जान की भी। अब उस कुर्बानी के पैमाने पर भी नाप लें, कितनी कुर्बानी देते हैं हम, कितनी कुर्बानी देते। सारे पाकिस्तान से जो अतिया आता है या सदका और खैरात आता है या जकात आती है, वो इस कदर है कि एक इंस्टीट्यूशन के बच्चों की भी साल भर, या 2-3 इंस्टीट्यूशन जो हमारे दीनी चल रहे हैं उनके गरीब बच्चों की भी मदद नहीं हो सकती, सिर्फ उन बच्चों की मदद नहीं हो सकती साल भर के लिए। ये साल भर की जो ज़रे आनत आता है मेंबरशिप, उससे तनख्वाहें भी नहीं चल सकती। ये हमने जिहाद किया है माल का, ये माल की कुर्बानी। कितना हिस्सा अल्लाह की राह में इनकलाब के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, जिहाद के लिए, कुर्बानी के लिए, अल्लाह के लिए। हम अपनी हर महीने की इनकम का कितना हिस्सा निकालते हैं, बोलिए ईमान से बताइए। हर महीने जितनी आपकी तनख्वाहें हैं, जितने आपकी इनकम है, जितना जरिया है, तिजारत है, माश है, रोजगार है, तनख्वाह है, कम जरिया वसाइल हैं या ज्यादा हैं, जो भी हैं अल्लाह ने दिए, उसको सामने रख लें और हर महीने का तनासुब बता दें कितना हिस्सा निकालते हैं अल्लाह के लिए, इस मिशन के लिए जो राह इनकलाब है, जो राह जिहाद है, राह रजाए इलाही है। तो ये फैसला खुद कर लें आप में से। मैंने आज आपको पैमाना दे दिया है, किसी से गुफ्तगू न करें, बस अपने गिरबान में झांक कर पाजा सुराखे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराखे जिंदगी। यही फिक्र है, दावत फिक्र है जो मैं आज दे रहा हूं दर्श की शक्ल में आपको। इसी फिक्र को बेदार करना है, खुद अपने मन में डूब कर खुद सोच लें। आपको तो पता है कि कितना खर्च करते हैं अल्लाह के लिए और कितना घर की जरूरियात के लिए खर्च होता है। मैं ये नहीं कहता कि बराबर कर दें, ये नहीं कहता सारा कर दें, ये भी नहीं कहता बराबर कर दें, ये भी नहीं कह रहा तिहाई कर दें, ये भी नहीं कह रहा दसवां हिस्सा कर दें। अगर 100 इनकम है
तो 90 आप खर्च करें जरूरियात पर, 10 अल्लाह की राह में मिशन को खर्च कर दें। मिशन पर 100 में 10 भी नहीं कह रहा, 5 भी नहीं कहता। तो अगर जो 100 में से 5 भी खर्च ना कर सके, 95 अपने और अपने घर के लिए रखे, 5 अल्लाह के लिए निकाल दे, जो 100 में 5 रुपए के हिस्से से भी ना दे सके, उसको हक पहुंचता है कि फिर पूछे इनकलाब कब आएगा। बोलिए, ये फैसला आप में से हर शख्स ने, हमने खुद करना है कि कब आएगा। अल्लाह पाक ने एक पैमाना अता फरमा दिया, एक पैमाना। यही वो रास्ता, जाहदू फी सबीलिल्लाह बि अमवालिहिम, अपने माल से जिहाद करें, वानफुसिहिम और अपनी जानों से जिहाद करें। यही वो रास्ता कि जब आका अलैहिस्सलाम ऐलान फरमाते कि अल्लाह के दीन को माल की जरूरत है, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला उन्होंने तन के कपड़े तक उतार के पेश कर दिए थे और घर के लिए कुछ बचा के नहीं रखा था। और आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, मा अबकैत अल अहले का या अबा बकरिन, अबू बकर हालत जो देखी ना, जो चादरें सी के पहनी हुई थी, हालत देखी, उस वजह से उनसे पूछा, किसी और से नहीं पूछा। फरमाया, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? तो अर्ज किया, या रसूल अबकैत लहुमुल्लाह व रसूलहु, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया, अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया। सीधना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने पूरा माल घर का जमा करके आधा आधा कर दिया, आधा घर वालों के लिए, आधा अल्लाह के लिए, हुजूर के कदमों में ला के रख दिया। दो पैमाने हो गए ना, सिद्दीक अकबर के पैमाने पर कोई अमल नहीं कर सकता, उसके लिए सिद्दीक होना जरूरी है। सिद्दीक अकबर करें या अली अल मुर्तजा करें, अली शेर खुदा करें, जिनकी पूरी उम्र उन पर जकात फर्ज नहीं हुई। किसी ने पूछा, हजरत ऐसा क्यों हुआ? फरमाया, हमने खुद को साहिब निसाब ही नहीं होने दिया, इतना माल ही जमा नहीं हुआ किया जिंदगी में कि जकात बन जाए। तो ये सिद्दीक होते हैं, ये सिद्दीक होते हैं। या फिर उमर हो कोई, आधा आधा कर ले। उमर से मुराद सुन्नत उमर पर, सुन्नत फारूकी पर अमल करे, या फिर दीगर सहाबा की सुन्नत पर अमल कर ले। तीन पैमाने बन गए, दीगर सहाबा में निस्फ से कम, जहां तक भी जाके आप अपने आप को एडजस्ट कर सकें, कुछ करें। वेली न बो, कुछ कर दी रहो, कुछ तो देते रहे। मैंने आपको 5% पे ला के रोक दिया, अगर 100 में 5 रुपए भी नहीं निकाल सकते तो इससे ज्यादा मैं फिर कुछ नहीं कह सकता। बाकी बातें थी, वो खाने का जागने का किस्सा मैं मिसाल अपनी देता रहा। इस मामले में मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं मिसाल नहीं देना चाहता आपको। क्यों? ये ऐसी चीज है कि इस अमल को पर्दे के पीछे रहना चाहिए, कोई दूसरी आंख ना देखे बस। तो मैं उस अजर को नहीं जाया करना चाहता और आपको भी यही नसीहत करता हूं। अगर मुझे इस अमल की इजाजत होती तो मैं आपको यह भी बताता। और मेरा ख्याल है कि मैं नहीं कह नहीं सकता कि आप सुनकर क्या बीतता आप पर। तो कम से कम है, कुल जो आपको आए, हर जो कुल इनकम है, कम से कम भी अगर अल्लाह की राह में देना है तो हर इनकम का 5% लगा लें। 100 आया तो 5 निकले, 1000 इनकम हुई तो कितना निकला? 50। 10,000 हुई तो 500, ठीक है। लाख हुई तो 5,000। ये मैंने तनासुब बता दिया, बस अपनी जहां जहां जिसकी एडजस्टमेंट है, सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, वो कर दे, कम से कम 5। और अगर तिल का आशारा तुन का मिला, कोई 10 कर ले तो अल्लाह की बरकतें ज्यादा हैं कि अल्लाह भी एक के बदले 10 देता है। अब ये राज की बात बता रहा हूं, कोई अगर 10 कर दे, बोलिए, अगर कोई 10 कर दे और 10 करने का भी आसान तरीका बता देता हूं आपको, मैं तो ये भी नहीं देखता, मैं नहीं देखता, वैसे आपको बताता हूं। 2.5 तो जकात के हिसाब में चला गया, 7.5 और डाल दें, तो 100 में 10 अल्लाह को दे दें, 90 आप रख ले, ये कोई हिसाब है? हाय हाय, दिया भी उसी ने है,
दिया भी उसी ने, 90 आप रख ले, 10 अल्लाह की राह में दे दें, अपने मिशन पे दे दें, उस इनकलाब और जिहाद और दीन के लिए दे दें जिस पर अबू बकर उमर और अली और मुर्तजा देते थे, उसी नियत से दें, उसी नियत से दें। तो 100 में 10 दे दें तो मालूम है उसका राज क्या, फायदा क्या होगा। जो अजर लिखा जाएगा आपके नामे अमाल में, 90 आपने खुद खाए थे, आपके बच्चों ने खाए थे, घर में लगे थे, 10 दिए थे, नामे अमाल में लिखा जाएगा कि इसने 100 कमाए और 100 के 100 सारे अल्लाह को दे दिए। 10 देने का यह फायदा है, 10 देने का बोलिए यह फायदा है कि लिखा जाएगा नामे अमाल में। यह कुरान मजीद मेरे सामने है, मैं इसी कुरान की अजमत की कसम खा के बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये इसी कुरान में अल्लाह का वादा है, मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अम्थालिहा, जो शख्स एक नेकी लेकर आए अल्लाह ताला ऐन उस जैसी 10 नेकियां उसको अता करता है अजर में, एक के बदले 10। तो जिसने 100 कमाया और 10 अल्लाह की राह में खर्च किए तो अल्लाह ने 10 को 10 से जरब दे दी अजर में, तो लिखा क्या गया, इसने 100 के 100 अल्लाह की राह में लगा दी। इससे बड़ा भी सौदा है, 90 खुद खाए आपने, बच्चों ने खाए, लिखा गया कि 100 का 100 सारा अल्लाह की राह में दे दिया, तो कौन सा सौदा अच्छा है। ये जो बुखल है ना जिसने तारी कर रखा, और ये जी फिर क्या करे जी, वसायल पहले ही कम है, लानत भेजे इन धंधों को, ये शैतान के ख्याल है, ये नफ्स का ध्यान है, नफ्स इंसान के दिल में बुखल पैदा करता है, शैतान बुखल पैदा करता है, अरे ये तो किसी को खाने का न मिले, 4 लुकमे उसको मुजस्सर हो तो वो भी एक दे दे, 3 रख ले, क्या होता है। अगर आप 100 कमा रहे हैं और 100 का 100 खा रहे हैं तो जितनी इज्जत से जिंदा हैं, मैं आपको यकीन देता हूं कि आप 100 की बजाय 90 खर्च कर लें, 10 अल्लाह की राह में दे दें, आपकी इज्जत में फर्क नहीं आएगा। 10 से क्या फर्क पड़ेगा, होता क्या है, 10 तक तो बाद इंसान समझता है नहीं तो ये तो कुछ भी नहीं। अब जो शैतान और नफ्स इंसान को तबाह करता है, फिर वो उसको जरब दिलवाता है कि 10 का मतलब ये हुआ जी कि 1000 पर कितना हो गया, 100। फिर वो कहता है कि जी मेरी तो 10,000 इनकम है, तो 10,000 पर क्या हुआ, 1000। फिर इंसान सोचने लगता है कि अच्छा 10,000 में 1000 इकट्ठा निकल गया, ओहो पूरा 1000 निकल गया। यहां से इंसान का दिल बैठने लग जाता है और उसको खमीरा, गौजबान, अमरी और दवाउल मिस की जरूरत शुरू हो जाती है, दिल बैठता है जालिम, और वो दिल कौन बैठाता है, नफ्स और शैतान बैठाता है। 10,000 में से 1000 निकल गया, और फिर अगर उसको अल्लाह ने लाख दे दिया तो 10% में क्या बना, 10,000। यहां तो वफात ही हो जाएगी उसकी, बस वफात गया, फिर वो फिर नहीं बचता, लाख के पीछे 10,000 निकल गया यक लख्त, और हर महीने बस फिर तो हार्ट अटैक का इंतजार करें। ये सब कुछ क्या है, ये नफ्स और शैतान ने इंसान को बुखल के जंजीरों में जकड़ रखा है, तोड़ दो उन जंजीरों को, शैतानी जंजीरों को तोड़ दो। ये जो जंजीर नफ्स और शैतान के आपको जरूरत दिखाते हैं, वो जरूरत नहीं होती, उसके पीछे हिर्स होता है और बुखल होता है, नजारा बनाते हैं जरूरत का, हाजतमंदी का, पहले ही खर्चे पूरे नहीं होते जी, महंगाई बहुत है, ये सारे धंधे जो आपको दिखाई देते हैं ये सारे नफ्स और शैतान के बुने हुए जाल है, ताकि इंसान बुखल में रहे, कंजूसी में रहे, और इनको तोड़कर सखी ना बन जाए, खुदा की राह में खर्च करने वाला ना बन जाए। क्योंकि उसे पता है शैतान को अगर इसने जंजीर तोड़ दिए बुखल के और अल्लाह की राह में खर्च किया तो खुदा की बारगाह से रहमतों की बारिश हो जाएगी, और शैतान कहता है मेरा तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। शैतान बंदे को बखील रखता है, कम से कम इनकम हो तब भी खर्च करें। बोलिए को जंजीर टूटता है या नहीं जी, डिफाल्टर हैं, 80% डिफाल्टर हैं, अंदाजा कर, बल्कि शायद अब उससे भी ज्यादा,
उससे भी ज्यादा डिफॉल्टर। ये मैंने तो आप पे पर्दा रखा हुआ था। जो रुफका हैं को लगभग मेरा ख्याल है एग्जैक्ट तो वो बताएंगे शायद 80% से भी ज्यादा। लो जी जी एम मलिक साहब बता रहे 83% लोग डिफॉल्टर हैं, जरियानत रफाकत नहीं आ रहा। 100 रफीक हैं 13 की मेंबरशिप फीस आ रही है। और फिर वो 83 के 83 पूछते हैं इंकलाब कब आएगा। इंसान को सीने में झांक के दिल में झांक कर कुछ तो सोचना चाहिए। 100 रुफका में 83 मेंबरशिप फीस नहीं भेज सकते जिहाद के लिए, मिशन के लिए, मुस्तफ़वी इंकलाब के लिए, अल्लाह की राह में बंदोबस्त के लिए। तो 83 डिफॉल्टर हैं और शोर भी वही मचाते हैं इंकलाब कब आएगा। पर्दा जो उठा के दिखाने वाला कोई नहीं है। ये मैंने कहा ना कि ये तो बाहर की तंजीमात के लोगों की मोहब्बत है और उनकी कुर्बानियां हैं, और एक तरफ ये आलम हमारा, एक तरफ उनकी कुर्बानियों का हाल बता दूं तो फिर आप वाह वाह और अश अश कर उठे और आपका जी चाहे कि काश हम भी उनसे बढ़ जाएं। तो समझाना मकसूद ये है कि ये बुखल और हुब्बे दुनिया, इसको जरूरत और हाजत और महंगाई और परेशानी की के तसव्वुर की जो कमी पर्दा है उसमें लपेट रखा है शैतान और नफ्स ने। दिखाता है जरूरत बहुत है, वसाइल कम है, महंगाई बहुत है, पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, ये उन्वान बने हुए हैं। मगर याद रख लें ये पर्दे हैं धोखा देई के, ताकि इंसान इन्हीं में उलझा रहे और सुकून रहे दिल को। असल इसके पीछे बुखल है, हुब्बे दुनिया है, नफ्स की तंगी है और अल्लाह की राह में मोहब्बत की कमी है, अल्लाह की राह में खर्च करने की कमी। लिहाजा आज इस दर्स का लुब लुबाब यह हुआ कि आज इस बुखल के जंजीरों को तोड़ दें। बोलिए बुखल के जंजीरों को। तो यह है माल से जिहाद करना और फिर जान से जिहाद करना। ये कहते हैं गर्दनें कटवाएंगे इनकलाब लाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि मुझे पहले गर्दनें नहीं चाहिए, रखो अपने पास गर्दन। ये कुरान मजीद है। ये क्या नारा है? बोलिए गर्दनें कटाएंगे इनकलाब लाएंगे। अब अल्लाह पाक का जवाब सुने, फरमाया गर्दनें अपने पास रखो, मुझे अभी गर्दनें नहीं चाहिए। गर्दनें तो कटेंगी जब कभी गर्दनों के कटने का वक्त आएगा। वो तो कब आएगा वो आगे की बात है, वो है उधार। उधार के नारे बहुत आसानी से लगा लेते हैं, पता है नारे लगाने से गर्दन कट थोड़ी रही है। एक के गिरबान को किसी ने पकड़ा हुआ तलवार हाथ में, वो कहे हूं दस भाई गर्दनें कटाएंगे, कहते मैं तो ऐवें ही कर रहा सा, जरा जोश पैदा करन वास्ते। एक जलूस था, मैंने क्यादत की, 20-25 आदमी अरेस्ट हो गए, 25-20 आदमी अरेस्ट हो गए हमारे। उनमें एक इनकलाब की शायरी करने वाले भी थे, कलाम जो लोगों को जोश दिला रहे थे, शायर थे पहली बार जिंदगी में, उन पर भी पर्चा हुआ, वो भी अरेस्ट हो गए। बाद में अंदर जो 20-25 आदमी जब जेल में गए तो इकट्ठे होकर उनको कहते थे कि जी हमें क्या, हम तो बस शायरी करते थे और ये जोश दिलाया और चलते बने, क्या पता कि गले पड़ जाएगी कैद, ये कैद गले पड़ जाएगी, हम शायरों को क्या लेना कैदों से, हम तो बस जोश दिलाते थे। आप समझ गए ना? तो अल्लाह पाक ने फरमाया गर्दनें कटाएंगे, उधार है, उधार को एक तरफ रखो, पहले नकद की बात करो। ये कुरान है। मैं गर्दनें कटेंगी, ये उधार है, जब वक्त आएगा कटेगी, देखेंगे किसको नसीब होता है। इस वक्त नकद की बात करो, नौ नकद ना तेरा उधार। तो नकद क्या है? फरमाया जाहदू फी सबीलिल्लाह बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम। पहले माल से जिहाद करो, पहले माल लुटाएंगे, ये नारा लगाओ, करें बात। अल्लाह कहता है पहले कहो माल लुटाएंगे, फिर कहो गर्दनें कटाएंगे। अगर माल नहीं लुटा सकते तो अल्लाह कहता है फिर समझ गए हम गर्दनें क्या कटानी है। जो माल नहीं लुटा सकता, माल ज्यादा प्यारा है या गर्दन? ईमान से कहिए, माल प्यारा ज्यादा है या जान? बात करने के लिए आसान होता है, नारे की बहुत बार होती है, हकीकत की बात करें, माल ज्यादा प्यारा है या जान?
लाख बाल इंसान जान के लिए ही तो कुर्बान करता है, सारी जिंदगी कमाता है, ऑपरेशन पे सारा माल कुर्बान कर देता है, इलाज पर कर देता है, कैंसर हो जाता है, अल्लाह न करे किसी को, जिंदगी भर की पूंजी उस कैंसर के इलाज पे लुटा देता है। क्यों? कि जान बच जाए। तो माल जान के बचाने पर कुर्बान करता है, माल जान के बचाने पर कुर्बान करता है, तो क्या प्यारा हुआ, माल या जान? जान। तो फरमाया तो माल कम प्यारा है, जान ज्यादा प्यारी है। तो पहले तो फिर सबूत पेश करें ना कि वाकई गर्दनें कटवा सकते हैं कि नहीं, पहले माल लुटाएं। तो कुरान मजीद ने हर जगह यही तरतीब बयान की, कोई तो हिकमत थी इसकी, हिकमत यह थी कि नकद सबूत पेश करें कि आप अपने नारे में सच्चे हैं या नहीं, अगर सच्चे हैं तो अपने माल से जिहाद करें, माल कुर्बान करें, माल लुटाएं। और जब माल लुटाने के वक्त हीले आ जाएं जी, वो दिल तो बड़ा करता है लेकिन इतनी बच्चों की जी फीसें हैं, इतने बिल हैं, इतना गाड़ी पेट्रोल का खर्चा, मकान का किराया भी है, किचन का भी खर्चा है, तो कर कर आके जी वो पहले खर्चे पूरे नहीं होते, हर महीने उधार चढ़ जाता है, चलो सारा छुट्टी। जब ये उज्र बन गए माल लुटाने पर, जब गर्दन कटाने की बात आएगी इससे 10 गुना ज्यादा उसके उज्र भी निकल आएंगे। तो अल्लाह पाक ने उधार रखा ही नहीं है, अल्लाह पाक ने फरमाया गर्दन की बात बाद में होगी, वानफुसहिम की बात बाद में होगी, पहले अम्वालहिम की बात करो, ताजा नकद की बात करो, कि जो माल है कम है तो उस हिसाब से कम दे दो, ज्यादा है तो ज्यादा दे दो। और फिर आगे एक जगह कुरान मजीद ने यहां तक फरमा दिया, एक शख्स जो नहीं देता था अल्लाह को, अल्लाह की राह में नहीं लुटाता था, कहता बड़ी मेहनत से बनाया है तो अभी है ही कुछ नहीं, क्या दूं, तो अल्लाह पाक ने फरमाया फिर रात को हमने अजाब भेजा, उसका सारा बाग जला दिया, सारा माल तबाह कर दिया। सुबह हाथ मलता था, पूछा अब बताओ तुम्हारे माल से तुम्हें क्या मिलेगा, उसी का दिया हुआ माल है, जब चाहे ले ले भस्म कर दे। वो देकर अपने माल में से पूछता है मेरी राह में दे दो, उसका करम है, उसका एहसान है। लिहाजा ईमान पहली शर्त, अपने तकाजों के साथ ईमान लाना, हिजरत करना दूसरी शर्त, अपने बुरे किरदार से भी हिजरत करना और घर बार से भी हिजरत करना, और जिहाद करना माल लुटाकर और जान लुटाकर। फरमाया तीन शर्तें अगर पूरी कर दो तो अअज़मु दरजतन इंदल्लाह, तो अल्लाह की बारगाह से बड़ा दर्जा मिलेगा। वउलाइका हुमुल फाइज़ून, और इन्हीं लोगों को कामयाबी मिलेगी, यही वो लोग हैं जो मुराद को पहुंचेंगे, मुकाम को पहुंचेंगे, कामयाबी की मंजिल को पहुंचेंगे। युबश्शिरहुम रब्बहुम बिरहमतिम मिन्हु, इनको बड़ा ऊंचा दर्जा भी मिलेगा, इन्हें कामयाबी भी मिलेगी। और इन्हें आगे फरमाया युबश्शिरहुम रब्बहुम बिरहमतिम मिन्हु, फिर अल्लाह ताला की बारगाह से खुसूसी रहमत की बारिश भी इन पर होगी, वरिद्वान, और अल्लाह पाक की बारगाह से इन पर रजा उतारी जाएगी, रिजवान भी उतरेगी, रजा इलाही की चादर इन पर तान दी जाएगी, अल्लाह की रहमत की बारिश आएगी, दर्जे बुलंद होंगे, कामयाबी की मंजिल इनके कदम चूमेगी। वजन्नातिन लहुम फीहा, और फिर उनके बाद आखिरत में उनके लिए अल्लाह की जन्नतें और आला बागात होंगे, नईमुन मुकीम, और ये दायमी नेमतें होंगी जिनमें वो रहेंगे, जिनमें वो रहेंगे। और आगे चल के फिर कुरान मजीद एक मुकाम पर फरमाता है वज्यादतुन व मजीद, और ये तो ये नेमतें हैं, और जो और ज्यादा करेगा तुम्हें खबर नहीं, फिर हम भी ज्यादा देंगे, हम भी ज्यादा कर देंगे, क्या इस पर भी ज्यादा देंगे। और ज्यादा देकर फिर फरमाया व मजीद, और फिर तुम्हें पता नहीं, फिर मजीद भी मेरे पास कुछ है जिससे आंखें ठंडी हो जाएंगी, जिससे कुर्रता आयुन, और मजीद भी कुछ है वो बताता नहीं हूं, बस इशारा देता हूं फिर आंखें ठंडी हो जाएंगी। तो लोगों जितना देते जाओगे उतना वो देता जाएगा, हम भी ज्यादा कर देंगे, क्या इस पर भी ज्यादा देंगे। और ज्यादा देकर फिर फरमाया वो मजीद, और फिर तुम्हें पता नहीं, फिर मजीद भी मेरे पास कुछ है जिससे आंखें ठंडी हो जाएंगी, जिससे कुर्रता आयुन, और मजीद भी कुछ है
वो बताता नहीं हूं, बस इशारा देता हूं, फिर आंखें ठंडी हो जाएंगी। तो लोगों, जितना देते जाओगे उतना वो देता जाएगा। ये है खालिदीन फीहा अबदा, फिर हमेशा वो इन कैफियतों में रहेंगे, हमेशा इन नेमतों में रहेंगे, हमेशा इन लज्जतों में रहेंगे, हमेशा इन कुर्बतों में रहेंगे, हमेशा इन इनायतों में रहेंगे, हमेशा इन नवाजशों में रहेंगे। और खालिदीन फी आबदा, और जिनको नेमत दीदार तक पहुंचा दिया जाएगा उन पर भी खालिदीन फी आबदा का इतलाक है, हमेशा वो दीदार में रहेंगे। इन अल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, तुम्हें लोगों क्या पता, अल्लाह के पास और इन सारे अजरों के ऊपर एक अजीम अजर भी है। क्या अजर है? फिर कहता है इससे जायद भी है, फिर कहता है मजीद भी है, तो कुछ तो होगा। आओ उसका लालच करें, क्या वो जो अल्लाह के पास ज्यादा है उसका लालच करें, वो जो अल्लाह के पास अजर अजीम है उसका लालच करें, वो जो अल्लाह के पास मजीद है उसका लालच करें। ये यहां का यहां रह जाना है। तो आज का दर्स कुरान यहीं पे खत्म करता हूं, 22 आयतों पर जाकर खत्म किया। क्या 22 आयतों पर खत्म किया है? और ये बताएं कि आज की तैयारी का सामान मिल गया है या नहीं जी? और फिर आज से तैयारी शुरू होगी जो बताई। तैयारी तीन चीजों पे करनी है, ईमान पर, ऊंचा बोले, खवातीन भी बोले अपनी जगह और मर्द भी, ईमान पर, जुमला हुकूक और तकाजों के साथ, और दूसरी हिजरत पर, हिजरत अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह रसूल के लिए, किरदार से हिजरत भी है। क्या किरदार की हिजरत? बोलिए। और घर बार की हिजरत, जब बुलाया जाए दीन के लिए आ जाए, तैयारी के लिए आ जाए, तो दूसरी हिजरत, तीसरा जिहाद। क्या? बराए इनकलाब जिहाद, तो पहले जिहाद बिल माल, फिर जिहाद बिल अनफुस, पहले माल लुटाकर और फिर जान लुटाकर। बस ये तीन चीजें बता दी, ये तैयारी है। तो आज इसकी तैयारी का अगर अज्म हो जाए और दिल खुल जाए और बुख्ल की जंजीरें जिन्होंने जकड़ रखा है अगर आज टूट जाए, तो उलाएकुमुल फायजून, आप कामयाब हो गए, आप कामयाब हो। और वो जो वजीफा दिया है वो शुरू हो गया, शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, और फिर उसके साथ और बरकतें हो जाएंगी, फिर आका की कचहरी नसीब होगी, उधर भी दीदार होंगे इधर भी दीदार होंगे। तुम घर बार छोड़ो, क्या मालो बार छोड़ो, और फिर अल्लाह और उसके महबूब के दीदार की कचहरियों में जाओ। दर्स हदीस के लिए तीन किताबें हुआ करेंगी, आज ये हदीस सुना रहा हूं दर्स हदीस में, रियाजुस सालेहीन में से। कौन सी किताब? रियाजुस सालेहीन, हदीस पाक की किताब है, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह। किन की? इमाम नववी, अजीम मुहद्दिस और हदीस के इमाम हैं। लोग तो इन्हें सिर्फ मुहद्दिस ही जानते हैं, लोग इन्हें सिर्फ मुहद्दिस ही जानते हैं, और बहुत से अहले इल्म को खबर नहीं कि बहुत बड़े साहेब करामात बाहरा वली भी थे। बादशाह वक्त को इनसे चिढ़ हो गई, लोगों ने भड़का दिया कि ये तुम्हारा तख्ता उलट देगा, इसकी कबूलियत बड़ी बढ़ रही है। तो बादशाह ने अपने दरबार में तलब कर लिया और कोई गरज मरज दिखाई, आपको सजा देना चाहता था। अब आपका मुआमिन कोई था नहीं, जब बादशाह सजा देने के लिए अपनी कुव्वतों को ललकार कर आगे उसने बढ़ना चाहा, तो इमाम नववी दरबार में खड़े थे। तो दरबार में जो कारपेट बिछा हुआ था कालीन, उस पर शेर बने हुए थे, जो कालीन बिछा हुआ था बादशाह के दरबार में उस पर शेरों की तस्वीर थी, तस्वीरें थी। जब देखा कि बादशाह अपने लश्कर के साथ हमलावर, सजा देने के लिए हमलावर होने को तैयार है, तो आपने जोर से खड़े हुए अपना पांव जमीन पर मारा, उस कालीन पर पांव मारा, वो जितनी तस्वीरें थी शेर बन के खड़े हो गए, सब तस्वीरें शेर बन के खड़े हो गए, मुंह फाड़ कर कि बादशाह आगे बढ़ा तो उसको टुकड़े कर देंगे, निकल जाए। ये वो इमाम नववी है।
इतने बड़े वलीउल्लाह हुए। क्योंकि मैंने कहा सिर्फ मैं बरकत के लिए आज हदीस पढ़ देता हूं ताकि दर से हदीस का आगाज हो जाए, और बड़ी लंबी हदीस भी नहीं पढ़ता। इरशाद फरमाया अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। फरमाया दो कलमे ऐसे हैं जो जुबान पर जब पढ़े तो बड़े हल्के हैं, मुख्तसर से हैं, पढ़े तो जुबान पर बड़े खफीफ हैं, हल्के मुख्तसर से हैं। सकीलतान फिल मीजान, मगर क्यामत के दिन जब आपके नाम आमाल के मीजान में रखे जाएंगे तो उनका वजन बड़ा भारी होगा, अजर में बड़े भारी होंगे, तराजू का पलड़ा तब्दील कर देंगे। और हबीबतान इलर रहमान, हर एक के लिए मेरे आका ने बात की, हर एक के लिए, जाकिरों के लिए बात की कि जुबान पर खफीफ हैं, अजर के तालिबों के लिए बात की, क्या अजर और सवाब के तालिबों के लिए बात की कि अपने अजर में बड़े सकील हैं, आपका तराजू नीचे कर देंगे, पूरी सिचुएशन चेंज कर देंगे नामा आमाल की क्यामत के दिन। और आशिकों के लिए बात की, हाय हाय हाय, जाकिरों के लिए बात की कि जिक्र में बड़े आसान हैं जाकिरों के लिए। अब ये शरह है, ये शारहीन की शरह नहीं है, मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये शारहीन की शरह नहीं है, बस ये बस ऐसे है। बस जाकिरों के लिए बात की कि जुबान पर जिक्र इनका बड़ा आसान है, खफीफतान। जाहिदों और आबिदों के लिए, जाहिदों के लिए बात की कि अजर इनका बहुत ज्यादा है, और आशिकों के लिए बात की, उनको अजर नहीं दिखाया, उनको कहा हबीबतान इलर रहमान, अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। हाय 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 हाय, हर एक की बोली बोली है मेरे आका ने, हर एक की बोली बोली। जाकरों को उनकी बोली में बताया कि इसका जिक्र बड़ा आसान है, कर लिया करो। जाहिदों को बताया इसका अजर बहुत ज्यादा है, किया करो। और आशिकों को बताया इन कलिमात से अल्लाह को बड़ा प्यार है, इनको पढ़ा करो, ये उसको प्यारे लगते हैं। हाय, अल्लाह के प्यार की तरफ ध्यान करा दिया, अल्लाह के प्यार की तरफ ध्यान करा दिया, किसी का ध्यान जिक्र की तरफ करा दिया, किसी का ध्यान अजर की तरफ करा दिया, किसी का ध्यान महबूब की तरफ करा दिया। महबूब को बड़े प्यारे हैं, बस सिर्फ इसलिए पढ़ा करो। अब मैं आपको हमेशा ये ध्यान दिलाता हूं, बाकी बताता हूं, ध्यान नहीं दिलाता, बाकी बातें बताता हूं मगर ध्यान उनका नहीं दिलाता, ध्यान इसका दिलाता हूं। इसलिए पढ़ा करो कि महबूब को प्यारे हैं, बस महबूब को इनसे प्यार है, क्या मतलब? पढ़ा करो वो राजी हो जाएगा, पढ़ा करो वो खुश होगा। तो लोगों अपने अमल की सिमत मुतय्यन कर लें, और वो कलिमात कौन से हैं? फरमाया सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह अलअज़ीम, पढ़ लीजिए मेरे साथ, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह अलअज़ीम। मुत्तफक अलैह, यह हदीस सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में है। अल्फाज उनके अपने अपने होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।